हेलो फ्रेंड्स, आज हम पकाने जा रहे हैं भिंडी। तो भिंडी को हमने धो के सुखा के इसके एंड्स हमने काट लिए हैं, और अब बताते हैं आपको कि कैसी वाली भिंडी बनाने लगी है। तो जी, सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो जी देखिए, अब हमने इसके बाद भिंडी को काट लिया है, और यहाँ हमने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है, और अब हम इस भिंडी को बहुत स्लो सेक के ऊपर हम इस भिंडी को पकाएंगे। भिंडी हमारी स्लो सेक के ऊपर पक रही है, इसको ज़्यादा हिलाना नहीं है, नहीं तो टूट ना जाए। तो इसको हम स्लो सेक के ऊपर ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता पकने देंगे, और बाद में इसका बाकी का मसाला वगैरह तैयार करेंगे। ओके जी, अभी मैंने वो भिंडियाँ हो गई थी, यहाँ देखें आप, गल गई हैं ये। तो इन भिंडियों को निकाल के मैंने उसी ऑयल में प्याज और अदरक काट के इसमें डाल लिया है। हल्का हल्का सा इसको भूनना है, और इसमें मैंने आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी और तकरीबन पौना चम्मच नमक का डाला है, क्योंकि भिंडियाँ बहुत कम हैं, इतनी सी हैं, तो मैं ज़्यादा इसमें नमक नहीं डालना चाहती थी। अब इसमें मैं डालूँगी टमाटर। तो जी, इसमें मैंने टमाटर डाल के टमाटरों को प्याज को मैंने मिक्स करके अच्छे से भून लिया है। अब वापस जो भिंडी मैंने पहले थोड़ी पका के रखी थी, इसमें डाल के इसको सबको मिक्स कर लेंगे। अब इसको थोड़ा गार्निश कर देंगे। गार्निश के लिए मैंने कसूरी मेथी और गरम मसाला डाल दिया है, और देखिए हमारी बहुत अच्छी सी, बहुत टेस्टी मसालेदार भिंडी हाजिर है। तो आप भी ट्राई कीजिए फ्रेंड्स, और बताइए कि आपको ये कैसी लगी। बहुत शुक्रिया साथ ज्वाइन करने के लिए, और मिलेंगे नेक्स्ट टाइम दूसरी भिंडी की डिश के साथ। Bye for now.